आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में आधे खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, आधे खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा धोखा। धोखा मतलब ये खिलाड़ी अपने सपने को लेकर आए थे कि हम मिनी ऑक्शन में जाएंगे, आईपीएल में खेल कर आएंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। पूरी रिपोर्ट क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए 991 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 991 खिलाड़ियों को, पूरे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा, इन खिलाड़ियों की छटनी कर दी जाएगी, आधे खिलाड़ी कर दिए जाएंगे और उसके बाद भी बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा। पूरी खबर क्या है ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2022 के लिए 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें केवल 580 खिलाड़ियों के आसपास छटनी होकर वो नाम आए थे और उसमें से भी आधे ही खिलाड़ी बिके थे, ये आप लोगों को पता है। लेकिन आईपीएल 2023 के लिए, क्योंकि टीमों के पास ऑलरेडी अपने खिलाड़ी हैं, अपने स्क्वाड है, ज्यादा टीमों के मतलब ज्यादा टीमों में जगह नहीं है, खाली जगह, ज्यादा जगह खाली नहीं है, तो ऐसे में टीमों के जो पास जो जगह खाली है वो केवल 89 खिलाड़ियों की जगह खाली है। अब 89 खिलाड़ियों की अगर जगह खाली है, टीमों के पास उतना बजट भी नहीं है, तो 89 खिलाड़ियों से ज्यादा तो टीमें खरीदेंगी नहीं, जबकि 991 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो सबसे पहले तो इन खिलाड़ियों की छटनी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 991 खिलाड़ियों में से जब छटनी होगी तो करीब करीब ये खिलाड़ी आधे हो जाएंगे और उसके बाद जब मिनी ऑक्शन होगा तो टीमों को केवल 89 खिलाड़ियों की जरूरत है। टीमों, सारी टीमों को मिलाकर, 10 टीमों को मिलाकर केवल 89 जगह खाली है, तो ऐसे में टीम 89 खिलाड़ियों को ही खरीदेगी और अगर 89 खिलाड़ी ही बिकेंगे तो देखना होगा कि टीमों के पास ऑप्शंस बहुत होंगे, क्योंकि 991 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर उनकी छटनी होकर आधे भी हुए तो 450 के आसपास होंगे, तो अगर 450 ऑप्शंस टीमों के पास होंगे और केवल 89 खिलाड़ियों को खरीदना है तो टीमों के पास ऑप्शंस बहुत होंगे। तो इसीलिए इस बार अगर टीमें अच्छी तरीके से बिडिंग करें, अच्छी तरीके से अपनी टीम को बनाएं तो बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। तो इसीलिए बहुत सारे खिलाड़ियों का सपना टूटने वाला है, बहुत सारे खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं और केवल कुछ लिमिटेड खिलाड़ी ही इस बार बिकने वाले हैं आईपीएल 2023 के मेगा मिनी ऑक्शन में। तो आपका इस खबर पर लेकर क्या कहना है और किन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा बोली लगेगी, किन खिलाड़ियों का सपना टूटेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।